हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वॉम वेलकम इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस बैंकिंग स्पेशल बैच इंग्लिश क्लास गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम ऑडिबल एंडबली सुष्मिता, मधु कुमार शुभम खुशी नंदन रियांश मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है आप सभी का वेलकम है स्वागत है ये बिल्कुल पहली क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास ओके ग्रेट सो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन साक्षी पूजा हितेश सनी आदित्य यू के मिश्रा विकास वेरी गुड आफ्टरनून चलिए सो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं ये बिल्कुल पहली क्लास हमारी इंग्लिश की और आज की जो क्लास है ये ओरिएंटेशन क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है स्ट्रेटजी और अप्रोच बताने वाली क्लास है इस क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस मायने में कि जो बातें हम यहां पे करते हैं अगर आपको वो बातें ढंग से समझ में आती हैं तो आने वाली क्लासेस का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फायदा उठा पाते हैं क्योंकि कई बार मेहनत तो हम करते हैं लेकिन अप्रोच की क्लैरिटी नहीं होती और उससे जुड़े आपके सवाल भी बार बार आते रहते हैं कि सर आ, बैंकिंग की इंग्लिश कैसे अलग है या बैंकिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से करें या मैं बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं क्या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकता हूं क्या कई बार आपको कुछ अलग अलग मिथ होती है कि बड़ा मुश्किल होता है ऐसा है वैसा है तो उन सभी सवालों का जवाब आज की क्लास में मिलेगा आपको पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो है जिस तरीके से हमारी क्लास चलेगी इंग्लिश का जो सिलेबस है अप्रोच है उससे जुड़े सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा और इसका इम्पोर्टेंस कितना है एक बैंकर बनने की प्रक्रिया में क्योंकि हम सब करियर वेल पे सिलेक्शन की तैयारी के लिए आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है क्या रोल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे हिंदी uh, मीडियम के स्टूडेंट हैं कोई दिक्कत नहीं है विष्णु जी विष्णु जाट कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई आकाश भी हिंदी मीडियम वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है ये बैच आपका बाईलिंगल है ये कोई इंग्लिश मीडियम बैच नहीं है बट इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है कि फाइनल सिलेक्शन में आपका जीडी और पीआई का भी रोल है और उसके लिए लैंग्वेज को बेहतर करना है भागना नहीं है इंग्लिश से आइए लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं डिटेल्स आपको बैच के बारे में पता है ही यूट्यूब uh, पर भी जो लोग देख रहे हैं पहली बार उनकी जानकारी के लिए बैच uh, आज से शुरू हो रहा है फोर्टींथ फेब्ररी कोर्स की वैलिडिटी एक साल की है एक साल का मतलब कि जो आप ये क्लासेस देख रहे हैं कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है तीन साढ़े तीन महीनों में लेकिन उसके बाद भी एक साल तक मतलब आज से जोड़ करके एक साल तक ये पूरा पूरी क्लासेस आपके पास रहेंगी यानी कोर्स कंप्लीशन के बाद भी आप करीब साढ़े आठ नौ महीने के आसपास आपके पास ये पूरा का पूरा एक्सेस रहता है सारी क्लासेस का ये मतलब है कोर्स वैलिडिटी का आप बात करें एस की आई की आर यानी ग्रामीण बैंक या आरबीआई की किसी भी तरह के बैंकिंग और मैं इसमें एक साथ और जोड़ देता हूं इंश्योरेंस सेक्टर के कोई भी एग्जाम आप राइट करने जा रहे हैं यह बैच उसके लिए बेनिफिशियल है और एक कंप्लीट बैच है इसमें ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश के लिए मैथ्स के लिए रीजनिंग के लिए अलग अलग एडमिशन लेने की आवश्यकता है और आपको पता है अक्टूबर से इस पूरे पैकेज के तौर पर करियर विल पे बैंकिंग स्पेशल बैच आ रहा है मैथ्स uh, आप आशीष सर के साथ पढ़ रहे हैं आपने पहली क्लास सर के साथ देख ली है एक बजे का शेड्यूल था सर का मेरी क्लास सत्येंद्र सर के साथ आप इंग्लिश कर रहे होंगे मेरे साथ अनुकूल सर के साथ रीजनिंग करेंगे जो आप कर चुके हैं राशिद सर के साथ आप जीए और बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे और अनुकूल uh, यतेंद्र सर के साथ कंप्यूटर्स का सेक्शन कवर होगा कोर्स की फीस जो है वो वन ट्रिपल नाइन है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैच में एनरोल हो चुके हैं ऐप पे इतनी भारी संख्या दिखाई दे रही कमेंट की और ये फायदा उठाया इन्होंने वन फोर नाइन नाइन का तो ये हाईली सब्सिडाइज हाईली डिस्काउंटेड फीस है सो दैट कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स एक एस्पिरेशन रखते हैं बैंकर बनने का और मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं बहुत सारे स्पुरेंट्स हैं मिडिल क्लास का एक एस्पिरेशन होता है तो आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा ब्रॉड रखना चाहिए किसी एक फील्ड के साथ रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना है हमें हम उसे इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं बट उसमें थोड़ा सा चेंज ला करके अप्रोच समझ करके आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं जैसे हमारे जो एस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी कई बार ये समस्या रहती है कि सर प्रोसेस बहुत डिले है फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तैयारी करते हुए इतना टाइम हो गया घर वाले परेशान हैं सब सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसे में बैंकिंग जो आपकी जॉब्स हैं जो ये अपॉर्चुनिटीज हैं ये ज्यादा बेहतर हो जाती हैं क्योंकि यहां पे आई भी बहुत स्मूथली एग्जाम कंडक्ट कराता है और आप अगर आज तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो नौ महीने के अंदर आपके पास नौकरी होगी उस पूरी प्रक्रिया के बाद तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं करियर विल के थ्रू यहां से पढ़ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है बिल्कुल फिजिबल है और इससे जुड़े हुए कोई भी संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए प्रोवाइडेड कि आपकी तैयारी ढंग से हो और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचाने के लिए क्योंकि तो कई बार लोगों को शक बड़ा हो जाता है हमारे बैचेस पहले अलग, अलग अलग आते थे यहां पे आ, ट्रिपल नाइन इंग्लिश की फीस होती थी ट्रिपल नाइन मैथ्स की उस सबको इसीलिए किया है हमने कि रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़े बेरोजगारी की समस्या है देश में हमारे वह फ्रस्ट्रेट भी बहुत रहता है उसकी वजह से तो अब आप देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहां पे आपको मिल जाती हैं एसबीआई में भी पीओ है क्लर्क है स्पेशलिस्ट ऑफिसर पीओ क्लर्क स्पेशलिस्ट ऑफिसर यहां पे भी वो अपॉर्चुनिटीज है आरबीआई असिस्टेंट अभी वैकेंसीज आ गई हैं उसकी तो फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गेस्टेड पोस्ट वहां पे है फिर आप अगर इंश्योरेंस की भी प्रोफाइल ले लें तो कहने का मतलब कि पूरे साल में आपके पास ऐसे कम से कम बारह से पंद्रह अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो अलग अलग पद हैं उनके लिए और ये एक तैयारी के साथ ये सब कुछ आप कवर कर सकते हैं तो ये बैच जो है बिल्कुल प्री टू मेन्स बेसिक टू एडवांस लेवल का है इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए ठीक है तो बैच से संबंधित कोई और समस्या कोई परेशानी तो नहीं है कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लें आप यहां पे इज देर एनी प्रॉब्लम इज देर एनी प्रॉब्लम स्पोकन इंग्लिश का बैच भाई मेरे बाकी बैचेस के बारे में जानकारी अभी नहीं लेनी यहां पे हम ध्यान रखेंगे इस बैच से संबंधित जानकारी के बारे में कोई डाउट नहीं है कोई बात नहीं सतीश आप इंग्लिश के लिए कुछ नहीं जानते तभी मैं यहां पर खड़ा हूं शिशु इज आस्किंग आई एम मिन सेकेंड ऑफ ग्रेजुएशन कैन आई ज्वाइन बैच एप शिशु यू कैन ज्वाइन दिस बैच देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे आपके पास नौकरी होगी उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए बिल्कुल पढ़ पाएंगे सतीश uh, रवि क्या पूछ रहे हैं इज देर एनी डिफरेंस एस और बैंकिंग इंग्लिश में क्या डिफरेंस है मैं आता हूं उसके ऊपर आता हूं बैच विल ओवर देखिए यहां पे हर सब्जेक्ट का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है वो डिपेंड करता है कोर्स कंटेंट के ऊपर मैं उसकी चर्चा थोड़ी कर लेता हूं क्योंकि आपका सवाल है यहां पे अब देखिए जैसे बैंकिंग अगर कंप्यूटर की बात करोगे तो ये शायद 25 फाइव आवर्स में 25 फाइव क्लासेस में यह कंप्लीट हो जाएगा इसका पोर्शन धीरे धीरे काफी कम हो गया है मेन्स में आपको देखने को मिलता है ये ध्यान रखेंगे आप कि जीए का जो पोर्शन है और कंप्यूटर uh, का जो पोर्शन है ये मेंस में हमें मिलता है प्री क्लियर करने के बाद ही मेंस का मौका मिलेगा और प्री में ये तीनों एरियाज हैं ठीक है ठीके? तो अभी हमारे जो कुछ वीओडी भी है इस बैच के अंदर जो कि एक नया फीचर है पिछले वाले के मुकाबले वीओडी का मतलब वीडियो ऑन डिमांड इसका और सिंप्लीफाइड मैनर में मतलब हो गया रिकॉर्डेड क्लासेस तो जो इस नई टीम के साथ आपको पूरा का पूरा बैच मिला था Uh, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस बैच के साथ अवेलेबल हो जा रही हैं और पहले बैच में हम सिर्फ ये तीन एरियाज लेके आए थे बिकॉज पहले हमें यही क्लियर करना होता उस समय एग्जाम्स थे आपके तो रीजनिंग uh, इंग्लिश और मैथ्स इन तीनों की क्लासेस अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के पास जो जो एनरोल हो चुके हैं राइट right? और बाकी आपके बैच में लाइव ये दो क्लासेस हैं है, क्योंकि इसकी वीओडी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए वो वीओडी आपको नहीं मिली है तो आपके लिए पर्याप्त है राइट right? बीओडी के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए ये तीनों सब्जेक्ट्स की जो कंप्लीट क्लासेस थी वो आप तक पहुंच चुकी हैं ठीक है तो ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है अब देखो ये जो आपका जीए की क्लास है ये करीब 50 आवर्स के आसपास होगी 50 55 फाइव आवर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है राइट right? अगर इसी तरीके से मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप क्लासेस देख पा रहे होंगे राइट right? इंग्लिश का भी जो कोर्स कॉन्टेंट है वो करीब क्लोज टू सेवेंटी आवर्स है उससे ऊपर ही पहुंच जाता है थोड़ा सा मैथ्स का थोड़ा सा आप ले सकते हैं एटी प्लसिंग का हो जाएगा तो रीजनिंग का भी तो कहने का क्या मतलब कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइमिंग में पूरे होते हैं तो इसलिए जब हम कंप्लीट कोर्स बात कर रहा हूं तभी मैंने आपको कहा कि करीब साढ़े तीन महीने का समय उसमें ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो ये डाउट बिल्कुल नहीं रखेंगे बाकी आपको सारी डिटेल्स सर ने अलग अलग सब्जेक्ट्स की इस तरीके से बताई होंगी और कोई डाउट इससे सर बीओडी में कंप्लीट सिलेबस है हाँ जी विवेक बता दिया मैंने रीजनिंग इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स इन तीनों एरियाज का कंप्लीट सिलेबस है अब आ जाइए अब आपके इंग्लिश की बात करते हैं बैच की डिटेल्स हो गई सारी कोई जानकारी नहीं है मतलब कोई अभी आपको कोई समस्या तो नहीं सारी जानकारी आप तक पहुंच गई चले आइए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की जिसके लिए ये इंग्लिश की ही क्लास है बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं बैच के बारे में अब आ जाओ भाई जरा बात कर लेते हैं इंग्लिश की और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है समस्या है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि एस एस बैंकिंग में क्या फर्क है सर आइए एस एस बैंकिंग की बात कर लेते हैं देखिए जब आप एस के एग्जाम्स की बात करते हो तो ये आपका ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम होता है ठीक है ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम यानी ग्रामर का जो फंडामेंटल्स हैं जो बेसिक्स हैं उनकी समझ आपको होनी चाहिए और वो आपको चाहे आप फिलर्स की बात करें तो वहां भी आपको काफी कुछ ग्रामर की मदद से मिलता है क्लोज टेस्ट के सीजियल मेंस के सेट में भी आप देखोगे तो शायद पांच सेट में से आपके पास दो सिंपल ग्रामर के बेसिस पे अवेलेबिलिटी हो तो ये ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम है और अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें

टेस्ट करता है ध्यान से सुनिए अभी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अभी कमेंट बिल्कुल न करें क्लैरिटी आ जाएगी और दो टॉपिक और आ जाते हैं वॉयस और नरेशन जो अलग से टॉपिक हैं लेकिन एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन टेंसेज राइट right? इनकी समझ होनी चाहिए आर्टिकल्स उसमें लेके आ सकते हो क्वेश्चन टैग पे सवाल पूछता है एसएससी के अंदर तो ये सारे एरियाज के समझ के बाद आप एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कर पाते हैं राइट right? अब मैं सीधा अगर बैंकिंग में ग्रामर के पोर्शन से बात करूं क्योंकि यहां पर अगर आप एरिया वाइज बात करोगे बैंकिंग में तो यहां भी ग्रामर है क्वेश्चंस कम आते हैं हो सकता है किसी सेट में कोई भी क्वेश्चन ना आए ग्रामर बेस्ड Uh, किसी शिफ्ट में ना आए किसी साल के क्लर्क के अब ऐसा होता रहा है एस एस सी का बड़ा पैटर्न है इन टर्म्स ऑफ ऑफ नंबर क्वेश्चंस वो फिक्स्ड है वो उतने देंगे बट बैंकिंग में वो फिक्स्ड नहीं है एक ही दिन में अगर तीन शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश के पेपर में जिस एरिया से क्वेश्चन आए हैं वो क्लोज टेस्ट हो जाए पैरासंबल हो जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाए तीन एरिया से मिल गए या वर्ड स्वैपिंग की मिल जाए अगले दोपहर वाले शिफ्ट में ग्रामर के पांच क्वेश्चन आ जाए तो कोई फिक्सड स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेकिन ग्रामर में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए और ज्यादा ध्यान होना चाहिए फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर पे यानी उनके यूसेस क्या हैं उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि भाई ना नाउन का क्या फंक्शन है प्रोनाउन का एडजेक्टिव एडवर्ब इनके क्या फंक्शन है क्या रोल है और वो अगर आपको समझ है तो आपको पैसेजेस आसानी से समझ में आते हैं क्योंकि बैंकिंग में सारे के सारे क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो पैराग्राफ बेस्ड आपको ज्यादा मिलेंगे इवन अगर हम यहां पे बात करें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की बैंकिंग के अंदर तो यहां पे अलग अलग नॉम इन यानी अलग अलग नाम से अलग अलग डायरेक्शन से वो ग्रामर का ज्ञान आपका चेक करते हैं यहां तो आपने देखा दो ही टाइप था डिटेक्शन और इंप्रूवमेंट पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान को चेक करने के लिए बट यहां पर डिटेक्शन भी हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट नाम दे सकते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट दे सकते हैं बेस्ट री स्टेटमेंट दे सकते हैं कॉलम uh, वाले क्वेश्चन में ग्रामर का ज्ञान चेक कर सकते हैं राइट right? या पांच सेंटेंस दे करके ये पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है मीन वॉट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेटेशन कॉम्बिनेशन वो जो आपको एक यूज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पैटर्न दिखता है कि एक सेंटेंस दे दिया और ए बी सी डी और नो एरर वाला ऐसे ऑप्शन देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वैसा बैंकिंग में मिले तो यही बात कि अगर आपके फंडामेंटल समझ है फंक्शनल एस्पेक्ट की समझ है तो कोई कैसे भी पूछे क्या फर्क पड़ता है बस हमें डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना होता है कि हम उसको पढ़ के समझ पाए कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और अभी अगली जब क्लास होगी आपकी नेक्स्ट क्लास मेरी कल वाली वहां हम क्वेश्चन बात करेंगे आज थोड़ा सा आइडिया ओवरऑल ले लें तो ये तो बात हो गई ग्रामर की अगला जो फर्क आ जाता है वो सबसे बड़ा फर्क आता है यहां पे इंग्लिश यूसेस का जो एरिया है वो काफी बढ़ जाता है इंग्लिश यूसेस का एरिया अब इसमें टॉपिक क्या क्या आ जाते हैं आपके पास पैराजल्स हैं जैसे पैराजल अब पैराजल तो यहां भी आता है कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पैराजल पिलर्स क्लोज टेस्ट और आरसी यही तो आते हैं ठीक है ये यहां भी पूछा जाता है यहां भी पूछा जाता है पैराजल बट पूछने के तरीके में फर्क होगा एसएससी में आपके पास दो पैटर्न है पीक्यूआरएस क्यू आर एस लिख करके आता है उसको पी क्यू बोल दो आप एबीसीडी बोल दो कोई फर्क नहीं है यानी चार स्टेटमेंट देंगे और आपको अनजंबल करके कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना होता है दूसरा पैटर्न ये होता है कि कई बार पहला और छठा स्टेटमेंट फिक्स होता है और बीच में चार लाइनें होती हैं यानी मैक्सिमम आपको एसएससी के एग्जाम में चार सेंटेंस ही अरेंज करने होते हैं बट बैंकिंग के अंदर पैरासिंबल्स में आठ सेंटेंस के क्वेश्चन आज से कम से कम बारह साल पहले भी आ चुके हैं एस पीओ के अंदर जहां पे सेंटेंस की लेंथ छोटी थी बट आठ टुकड़े थे वहां पे राइट right? तो नंबर ऑफ सेंटें जो हैं वो बैंकिंग के पैरासबल में बढ़ जाते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है उसमें भी कई बार पहला और आखिरी सेंटेंस है और बीच में आपको अरेंज करने हैं प्लस एसएससी में जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे चार ऑप्शन पी क्यू आर एस एस क्यू आर पी क्यू आर एस पी कि भाई क्या करेक्ट ऑर्डर होगा बैंकिंग में हर बार जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन मिले इवन अगर आप पिछले छह सात सालों के पेपर्स उठा के देखो यानी 2015 से पहले का अगर आप देख रहे होगे तो वहां पे आपको पेपर में सीधा ये पूछा जाता था व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट व्हाट इज फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट इज फिफ्थ स्टेटमेंट इसका क्या मतलब है कि छह सेंटेंस दे दिए और आपसे पहला पूछ रहे हैं कि जी अरेंज करने के बाद यानी रीअरेंज करने के बाद तीसरा स्टेटमेंट कौन सा है और ऑप्शन ए बी सी डी ई इस तरह से करके दे दिया तो आप तीसरा क्या है पांचवा क्या है छठा क्या है ये तब बता पाओगे जब आप पहले उन सेंटेंसेस को अरेंज कर पाओ तो ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन में क्वेश्चन को करना आसान होता है बट जब आपकी आपको खुद ऑर्डर बनाना है तो वहां थोड़ी सी लैंग्वेज की समझ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज द व्हाट शुड बी द ओपनिंग स्टेटमेंट व्हाट शुड बी द लॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन ट्रांजिशन कैसे हो रहा है इन सेंटेंसेस में क्या यहां पे किसी इवेंट की बात हो रही कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, हुआ। जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट या सीक्वेंस ऑफ टाइम है या कॉज एंड इफेक्ट है तो ये सब टेक्निकल चीजें हम पढ़ेंगे जब आ, और जो लोग एनरोल हो चुके हैं आप ऐप में देख भी सकते हैं पैरासिंबल्स की क्लासेस तो वहां पे कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जो हम यहां पे भी करेंगे लाइव में भी तो कहने का मतलब कि डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ जाते हैं और प्लस कॉन्टेंट की डिफिकल्टी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है अगला जो टॉपिक है पैरा कंप्लीशन अब ये बैंकिंग में नहीं पूछा सॉरी एस में नहीं पूछा जाता ये बैंकिंग में पूछा जाता है नाम से पता लग रहा है पैराग्राफ को कंप्लीट करना कई बार क्या होगा ओपनिंग स्टेटमेंट गायब कर दिया एक पैराग्राफ का कई बार ट्रांजिटरी स्टेटमेंट ट्रांजिटरी का मतलब मान लीजिए शुरू की तीन लाइनें लिखी हैं चौथी लाइन गायब है और उसके बाद की दो लाइनें और लिखी गई हैं अब वो पूछेंगे कि इस चौथी लाइन के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस सूटेबल है वहां पे पैराग्राफ करवट ले रहा है ट्रांजिशन ले रहा है और फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मान लीजिए छठी लाइन गायब कर दी पैराग्राफ से शुरू की पांच लाइनें लिखी हैं छठी गायब कर दी आपको चार लाइनें पांच लाइनें ऑप्शन में दे दिया आपको पूछ लेंगे इनमें से कौन सा यहां पे लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए कौन से सेंटेंस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा तो इस माम इस क्वेश्चन में अलग हो जाता है बिल्कुल उसी तरीके से आप देखोगे पैराजल की करोलरी होती है उसी पे ज्ञान पे आधारित होता है ऑर्ड वन आउट का क्वेश्चन टाइप ऑर्ड वन आउट में क्या होगा आपके पास पांच स्टेटमेंट है वो पूछेंगे इन पांचों में से कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है सो समवन हु हैज अ हैजेंट कमांड ओवर पैराजल कैन ईजीली क्रैक दैट क्वेश्चन बिकॉज जिस एक को आप बाहर कर रहे हो उसके बाद बचे चार सेंटेंसेस को आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं तो अगर पैराजिम्बल पे आपकी कॉम्पिटेंस है और आपने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं अब क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे कई बार इसमें पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जो ऑड स्टेटमेंट है उसको आउट करने के बाद बचे हुए सेंटेंसेस का ऑर्डर क्या होगा वो भी ऑप्शन में मिल जाता है जो मैं क्लास में हमेशा प्रैक्टिस कराता हूं सो so देट कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े उसे यह ना लगे कि मैंने प्रेशर में बस तुक्का मार दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट बाहर है तो ये भी क्वेश्चन टाइप नया है जो कि एस में नहीं पूछा जाता इसकी समझ आपको होनी चाहिए तो ये सब इंग्लिश यूसेस के एरियाज हैं अब इसी में आप आ जाओ फिलर्स की अगर बात करें हम

वर्बल uh, फ्रेजेस दे देते हैं वो कि क्या होना चाहिए विल विल होना चाहिए हैव होगा होगा तो ग्रामर के के ज्ञान बेसिस पे एडजेक्टिव कई बार लिटिल फ्यू फ्यूअर ऐसे ऑप्शन दे देते हैं तो वो ग्रामर के बेसिक्स टेस्ट कर रहे होते हैं फिलर्स के अंदर भी यानी ग्रामर इंटेंसिव फिलर्स होते हैं वो कैब बेस्ड फिलर्स की संख्या एसएससी के एग्जाम्स में कम होती है जो पूरी तरीके से बदल जाती है बैंकिंग में अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो यहां पर आपके पास इंग्लिश में जो फिलर्स मिलते हैं पहले तो वैरायटी ज्यादा होती है यहां पे आपके पास सिर्फ दो तरह के टाइप हैं राइट वन फिलर और टू फिलर का बस दो वैरायटीज अवेलेबल हैं बैंकिंग में ऐसा नहीं है बैंकिंग में अगर हम फिलर्स की बात करें तो क्वेश्चन देने के तरीके आपके मतलब सिक्स टू सेवन टाइप्स हो सकते हैं ऐसे सात तरीकों से फिलर्स पूछा जाता है तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा चीजें आपको सीखने की जरूरत है कि एक तो लेवल तुरंत बैंकिंग में थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है एसएससी के मुकाबले और प्लस आप अगर देखें तो क्वेश्चन पूछने के तरीकों में भारी बदलाव आता है यहां पे वन ब्लैंक प्लेस भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री ब्लैंक प्लेसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां होमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो दो सेंटेंस देंगे आपको चार च्वाइसेज देंगे ए बी सी डी पूछेंगे इन चारों में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो दोनों सेंटेंस में सूटेबल है अब ऐसे क्वेश्चन आपको एस में नहीं मिलते कई बार हो सकता है तीन उन्होंने इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दे दिए ए बी सी तीनों में एक एक ब्लैंक प्लेस है ऑप्शन में आपको दो दो वर्ड देंगे और वो डायरेक्शन में लिखेंगे कि आप जिस भी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं उसका पहला वर्ड पहले दोनों सेंटेंस में सूटेबल है और दूसरा वर्ड तीसरे सेंटेंस में सूटेबल है कहने का मतलब बहुत तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं वो सिनोनिमस पेयर्स के ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं फिलर्स के अंदर छे, छे वर्ड दिए हैं ई एफ छह वर्ड दिया है और फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन दे ए एंड बी सी एंड डी कौन सा यहां पे होगा तो कहने का मतलब कि fillers, एक तो प्लस कि आपको अप्रोच पता है क्योंकि आपको है प्री के अंदर आपके पास बीस मिनट होते हैं तीस क्वेश्चन के लिए और ये ब्रेकअप ये ब्रेकअप खुद ही बता रहा होता है कि प्री का लेवल उतना हाई नहीं होता है अगर पे जो एग्जामिनर है वो आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है इट्स ऑल अबाउट अप्रोच बट वहीं देखो मेंस में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तुरंत मेंस में आपके पास इंग्लिश में 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट होते हैं तो ये साफ साफ पता लगता है कि मेंस में थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्वियस सी बात है प्री मोर ओवर फिल्टर करने के लिए होता है कि जो कैंडिडेट तैयार नहीं है उनके तैयारी में अभी कमी है उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस वही हो जाता है और फिर जो उनके लगते हैं कि हां ये मेन्स के लिए जा सकते हैं उनको मेन्स में मौका मिलता है तो डिफिकल्टी लेवल मेन्स में बढ़ती है ठीक है अब अगर वैसे ही आप क्लोज टेस्ट की बात करो तो क्लोज टेस्ट भी आप देखते हो हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है चाहे आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम की बात करें एस की बात करें क्लोज टेस्ट यहां भी है बट अगर जैसे एस एस सीजीएल की बात करो तो एक फिक्स्ड पैटर्न आपको नजर आता है जहां पे आप देखते हैं कि पांच पांच ब्लैंक प्लेस के आपके पास पांच सेट सीजीएल मेंस में आते हैं इन जनरल ये पैटर्न है बट बैंकिंग में वह नहीं है हो सकता है आपके आ, शिफ्ट में आपके सेट में आपको पांच ब्लैंक प्लेस का भी मिल जाए छह का मिल जाए सात का मिल जाए, जाए आठ ब्लैंक प्लेस का पैराग्राफ मिल जाए और यह भी हो सकता है कि पंद्रह ब्लैंक प्लेस का भी क्लोज टेस्ट आया हुआ है बैंकिंग के अंदर ठीक है तो ये वही बात कि इसमें भी वेरिएशन पॉसिबल है अभी जो एक नया पैटर्न और क्लोज टेस्ट में देखने को मिला था जो मैंने अभी अपने बैचेस में भी कराया है आ, उसमें आया कम बार है बट आया हुआ है और जो भी पीछे आया हुआ है चाहे एक बार भी या आ सकता है, वो सब मैं अपनी क्लास में तो इसीलिए आपको, आपको हो जाए तो उसमें वो क्या करेंगे? कि वर्ड वो फिल कर देते हैं क्लोज पैराग्राफ होता है ब्लैक होते हैं आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बताओ कौन सा वर्ड होगा फिल करके देते हैं और फिर आपको पूछते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि वर्ड सही है तो कोई चेंज मत करिए और अगर आपको लग रहा है कि वर्ड सही नहीं है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक बदल दीजिए तो वही काम जो हर तरह के क्वेश्चन टाइप में करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर कि पूछने के तरीके बदलते हैं देखो तो किसी का फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है आपकी बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो कोई कैसे भी चेक करे क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है तो वही बात कि यहां पे हमें लकीर का फकीर नहीं होना क्योंकि ये एग्जाम है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर हम एक प्रेशराइज सिचुएशन में सिचुएशंस बदलते हैं कंडीशंस बदलते हैं तो ये जो तो सामने वाला दिमाग है ये उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा इसकी टेस्टिंग वहां पर होती है तो ये इसमें आपने देखा कि टॉपिक काफी चेंज हो गए जो कि एस में नहीं थे वो यहां बढ़ जाते हैं ग्रामर की भी अगर मैं बात करूं जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछने के तरीके यहां फाइव टू सिक्स टाइप्स आसानी से आए हुए हैं बनाए जा सकते हैं जबकि वहां पे पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान सिर्फ दो तरीके से टेस्ट हो रहा था बैंकिंग में वो पांच छह अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया जा सकता है नाम अलग देंगे क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज कर देंगे चेक लेकिन आपके फंडामेंटल्स ही कर रहे होंगे वो ठीक है अब आइए वो के बारे में अगर एस की बात करें आप कैब के हवाले से तो आपको पता है कि भाई यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप आ जाता है वो साइनो एंटो है सिरेम एंटनिम्स ओ डब्ल्यू एस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन राइट और क्या आ जाएगा आपके पास स्पेलिंग एरर्स आ जाती हैं और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाती हैं ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है एस के एग्जाम का और मैंने कितनी बार आपको अपनी स्पेशल बैचेस में हर जगह बात करी है कि जो हमारा रूट वर्ड का अप्रोच है वो इन तीनों क्वेश्चन टाइप को काफी हद तक मास्टर करने में मदद करता है वन वर्ड और स्पेलिंग अरर क्योंकि आपको रूट वर्ड में स्पेलिंग भी समझ आती कितने टुकड़े हैं कितने सिलेबल हैं शब्द को बनाने में वन वर्ड के लिए सीधा याद रखने में मदद मिलती है आपको और सिनेटेनिम क्योंकि बहुत सारे हमारे रूट वर्ड में ऐसे

अगर आपके पास मान लीजिए दस क्वेश्चन आपने सिनोनिम के किए वहां पे एक क्वेश्चन वर्ड था और चार उसके ऑप्शन थे यानी हर एक क्वेश्चन के साथ आपको पांच वर्ड मिल रहे हैं अगर आपने दस क्वेश्चन सिनोनिम का सॉल्व किया आपके पास पचास वर्ड हो गए हो सकता है उन फिफ्टी वर्ड्स में आपके लिए दस शब्द बिल्कुल नए थे तो ये बेहतर मौका है कि आप उन शब्दों को समझें तो जब भी इस बात का ध्यान रखें आगे से जब भी सीरे में क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें डेफिनेटली एक ऑप्शन वहां करेक्ट होगा लेकिन बाकी बचे तीन शब्दों को भी जरा समझने की कोशिश करें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके डिक्शनरी में पता नहीं किस क्वेश्चन में वो आपको मदद दे जाए वो ज्ञान आपको मदद कर जाए तो एनी वे सिरे डायरेक्ट है ओ एस स्पेलिंग्स इन तरह के क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं देखे गए हैं वैसे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन मैनेजमेंट एग्जाम्स में आते रहे हैं वो डब्ल्यू एस के भी क्वेश्चन जैट में आई ए एफ टी में और जैसे आप जानते हैं कि जो एस बी आई पी ओ है वो धीरे धीरे मैनेजमेंट एग्जाम्स की तरफ ही आगे बढ़ रहा है आ, उसका जो ईजी लेवल है उस तरफ आ, कदम बढ़ा रहे हैं ये तो लेकिन वहां पर जो वर्ड अगर पूछे भी जाते थे वो जनरली फॉरिन एक्सप्रेशन पूछते थे फ्रेंच वर्ड्स हैं जो उनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब होती है प्रोनाउंसिएशन अलग होता है लिखते कुछ और हैं तो उस तरह के चैलेंजेस हैं बट टिपिकली जैसे आप एस में वो डब्ल्यू करते हो वो पैटर्न आपको बैंकिंग में नहीं मिलता और न तो सिनेटनिम डायरेक्ट पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम में आपकी इंग्लिश की कॉन्टेक्चुअल समझ को वो टेस्ट करते हैं आपने देखा होगा पुराने पेपर्स भी उठा के देखिए सिनेनी में जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आया करता था एक यूजुअल जो पैटर्न था तेरह चौदह पंद्रह तक आपको देखने को मिलता था कि भाई एक आ, दस क्वेश्चन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है देर आर टेन क्वेश्चन पैसेज एंड पांच से छह क्वेश्चन जो होते थे वो जनरली आपके जो यूनिवर्सल क्वेश्चन टाइप है वॉट इज द मेन आइडिया या करेक्ट है इनकरेक्ट है पैराग्राफ के बेसिस पे या सुटेबल टाइटल ऐसे सवाल होते थे और चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन वो सिननीम एंडिम के पूछते थे लेकिन वो उसी पैसेज में कुछ वर्ड को बोल्ड कर दिया करते थे और फिर उन बोल्ड वर्ड्स की आपसे थे so in कि आप उस शब्द के कई बार ऐसा ट्रैप में आपको फंसाया जाता था कि एक ऑप्शन जरूर एग्जामिनर ऐसा दे देते थे, थे जो कि आपको पता होता था कि हाँ इसका ये सिनेम होता है वो रटे हुए विद्यार्थियों को फंसाने का वो काम होता था तो वहां रटने वाला ज्ञान नहीं लगाना होता था

हाँ, की अगर हम vocab portion की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कि पे vocab के uses पे के ज्यादा जोर है, है, और vocab का का वो कहां -कहां चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका जो fillers का question type है, इतनी सारी varieties आप देख रहे हैं सिक्स टू सेवन टाइप्स और उसमें वोकैब की समझ आपकी चेक होगी क्योंकि जो शब्द दिए वो वोकैब बेस्ड तो। तो वहां पे एक ही तरह के मतलब के पा, के आपके पास तीन शब्द हो गए चार शब्द हो गए मान लो एक आपने एलिमिनेट कर दिया बट तीन शब्द आपको मिलते जुलते हैं अब अगर आपने की एक शब्द है क्या करोगे आप वहां पर राइट डाउन चॉइसिस यू बिकेम सक्सेसफुल इन एलिमिनेशन ऑफ वन च्वाइस बट यू आर स्टिल कंफ्यूज थ्री च्वाइस बिकॉज ऑल दो आर सिनोनिमस एंड यू डू नॉट द डिटेल्ड आर in depth understanding in terms of differences between those words तो कभी भी इंग्लिश में दो शब्द सेम नहीं होते वो सिमिलर होते हैं और सिमिलर शब्दों में क्या फर्क है वो जानना जरूरी है मैं बहुत बार इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं आपकी क्लास में जहां पे ये ये हमारे लिए समस्या पैदा होती है अगर आप जैसे बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है मैं अभी ले लेके बोर हो चुका हूं बट स्टूडेंट्स के लिए शायद वो हर बार नया होता है जो पहली बार देख रहे जैसे आप अगर याद करने की बात करें तो बचपन में स्टूडेंट्स रट लेते हैं कि भाई ये जो तीन शब्द हैं हमारे पास कार्नेज और मैसेकर और और कौन सा वर्ड है जेनोसाइड ये तीनों के तीनों वर्ड मास किलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं मास किलिंग यानी जहां पे नरसंहार हो रहा है बट आप खुद ही सोचें अगर एग्जाम में फिलर का क्वेश्चन है या क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है वहां वोकैब के प्रयोग की समझ चेक कर रहा है वो एग्जामिनर कि आपको वोकैब की समझ कितनी है वो हिंदी में रटा हुआ विद्यार्थी नरसंहार जो कि जनरली SSC वाले स्टूडेंट्स का पैटर्न होता है क्योंकि उनको जनरली ये कंफ्यूजन होती है कि नहीं रट लो प्रीवियस ईयर कर लो दस साल का रट लो उसी में से आ, अरे भाई रट रट के दिमाग हमारा पंग हुआ है फिर वही काम दोबारा कर रहे एक बार समझ लें इन्वेस्ट कर लो तीन चार पांच छह महीने समझने में अंडरस्टैंड करने में काफी क्वेश्चन कर लेंगे आप रटने के बोझ के तले बिल्कुल नहीं दबेंगे तो यहां पे ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि भाई शब्दों में क्या फर्क है अब कारनेस की अगर हम बात करें तो वो किस तरह की नरसंहार यानी मास किलिंग के लिए जहां भारी संख्या में लोग मरे वहां पर यूज होता है जब कोई वॉर सिचुएशन है युद्ध चल रहा है युद्ध चल रहा है लोग मारे जा रहे हैं तो वो कारनेज वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा या कोई एक्सीडेंटल किलिंग है ट्रेन की दुर्घटना हो गई प्लेन क्रैश हो गया उसमें भी लोग मरते हैं डेढ़ सौ तो लोग मर गए मान लीजिए किसी प्लेन क्रैश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में डेढ़ सौ लोगों की जान चली गई मास किलिंग तो वो भी है ना डेढ़ तो लोग एक साथ मर गए तो वहां पर हम कार्नेज इस्तेमाल करेंगे वहां रटा हुआ विद्यार्थी मैसेकर मैंने पढ़ा था मास किलिंग होती है नरसंहार ऐसे नहीं लगा सकते इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे लेवल थोड़ा अपडेटेड चाहिए जहां पे समझ बच्चे को हो मैसेकर बच्चा क्या है मतलब अडल्ट सारे सब ग्रेजुएट हैं मैसेकर इज इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट व्हेन देयर अ डेलिबरेट किलिंग यानी हत्या हो रही है और इनडिसक्रिमिनेट किलिंग बिना भेदभाव के मैं हमेशा आपको कहता हूं व्हेनेवर यू लर्न अ न्यू वर्ड ऑलवेज ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन और कनेक्शन विद दैट वर्ड अब जैसे मैंने प्लेन क्रैश कार्नेज के साथ दिमाग में डाल दिया या कहीं युद्ध हो रहा है सीरिया में वार हो रहा है अफगानिस्तान में अभी इतनी बुरे हालात हैं मरते हैं लोग जब इस तरह की घटनाएं या युद्ध हो रहा होता है या गृह युद्ध छिड़ा हुआ है देशों के बीच में तो या एक देश के अंदर तो वहां पे हम कारनेस लगा रहे हैं आपके दिमाग में एक इमेज बन गई उसी तरीके से अगर मैसेकर के साथ आपने जलियां वाला बाघ हत्याकांड वो नरसंहार दिमाग में बिठा लिया तो जिंदगी भर नहीं बोलेगा दो शब्द मैंने बोले हैं डेलीवरेट यानी जान वो एक्सीडेंटल किलिंग नहीं थी गोली चलवाई गई और इनडिसक्रिमिनेट बूढ़े बच्चे जवान जो आए सबको भून दो दिस इज वॉट दिस इज आप वॉट कम्युनिटी को आ, प्लान करके और टारगेट करके उनका सफाया करते हैं इसके लिए कई बार टर्म इस्तेमाल होता है एथनिक क्लीनजिंग बिकॉज हो रहा है जिनको मारा जा रहा है उनकी कोई एक तरह की आइडेंटिटी है एग्जाम्पल लेते हैं तो या ग्लोबल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो एक कम्युनिटी को टारगेट करके मारना दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड सो इसमें आपको ध्यान देना है मेरे साथ इस यात्रा में आप आगे निकलेंगे हम रटेंगे नहीं चीजों को इनोनिमस वर्ड्स हैं बट डिफरेंस क्या है क्योंकि कभी भी दो शब्द मैंने बार बार ये बात बोली दिमाग में बैठा लो दो शब्द सेम नहीं होते सिमिलर होते हैं। तो उनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर है और फर्क जानना हमारा फर्ज है कि हम देखें समझें कि हाँ इनमें क्या डिफरेंस है क्या चेंज है ठीक है तो ये वो कैब की अगर आप बात करो तो यहां पे कई सारे और टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं लेकिन जब हम यूसेज की बात कर रहे हैं सीधे तो पहले फिलर्स है और क्लोज टेस्ट है जैसे मैंने कहा ये सीधे सीधे प्रयोग है वो कैब के यूसेस की समझ आपको आरसी में बहुत मदद करती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्योंकि आरसी एक मेजर एरिया है बैंकिंग एग्जाम का और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गफलत में भी रहते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं कि बैंकिंग इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन सो so, मेरा अगर ग्रामर वीक है तो भी काम चल जाएगा नहीं नहीं चलेगा काम अगर ग्रामर वीक है तो बिकॉज जब हम आरसी की शुरुआत करते हैं क्लास में भी मैं जब शुरुआत करता हूं इस टॉपिक की तो मैं आरसी का फुल फॉर्म तो वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सभी को पता है जहां पर आपकी रीडिंग स्किल यानी आप पढ़ने में कैसे हैं कितनी आपकी स्पीड है कैसा पढ़ पाते हैं कितनी बात और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन यानी आपकी समझने की कितनी ताकत है वो चेक होती है बट मैं क्लास में इस टॉपिक का सबसे पहले हेडिंग देता हूं रॉयल चैलेंज आरसी इज द रॉयल चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आरसी तो छोड़ दो एक सवाल जैसे में, में भी ये चीज़ें निकल के आती है अगर हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज पेपर्स रिलीजियसली एंड रेगुलरली तो बड़े कम हाथ खड़े होते हैं बिकॉज मैं बाद में ये दो एडवो जोड़ देता हूं रिलीजियसली एंड रेगुलरली तो हम नया नया शौक तो कई बार पैदा करते हैं नहीं, मुझे अखबार पढ़ना चाहिए आई शुड बी अवेयर अबाउट द करेंट अफेयर्स बिकॉज वो एक ऐसा एरिया है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट किया जाता है लेकिन वो नया नया शौक दब जाता है कुछ दिनों के बाद या उनके पूछो कि आपने अपने टेक्सट से के अलावा क्या पढ़ा है मैगजीन्स कौन सी पढ़ते हैं या नॉवेल कितनी पढ़ी है आपने नॉवेल पढ़ते हैं तो किस कैटेगरी की पढ़ते हैं फिक्शनल पढ़ते हैं या नॉन फिक्शनल पढ़ते हैं नॉन फिक्शनल पढ़ते हैं तो फिर उसमें कौन सा जॉनरे जो है वो आपका बहुत फेवरेट है या फिक्शनल में आप किस तरह का स्टफ पढ़ते हो तो इंडिया में रीडिंग की हैबिट्स उतनी ज्यादा नहीं है देर आर सर्टेन स्टेट्स कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे परिवार के अंदर ही वो कल्चर जो है वो बचपन से ही कल्टिवेट करते हैं और होती है रीडिंग वहां पर लेकिन आ, या मैं अपने कैट के बैचेस की बात करूं यहां डेली में तो भी इलीट बैचेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जिनको बारहवीं तक की जिन्होंने बड़ी सारी नॉवेल पढ़ रखी है बट अगेन दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड वो कॉलेजेस uh, भी उनके uh, उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो देश के टॉप के कॉलेज हैं तो डेफिनेटली उनकी परवरिश और अपब्रिंगिंग उस तरह की हुई है बचपन से वो आदतें उनके अंदर इनकलकेट की गई हैं पर जब मैं एक जनरल सेंस में बात करूं खासतौर से जो एक एस का बच्चा है आ, उसकी रीडिंग का उतना एक्सपोजर नहीं होता और जब वो फिर बैंकिंग में अपग्रेड कर रहा होता है तो उसे कई बार पैसेजेस में दिक्कत आती है तो इसलिए आरसी सी बहुत बड़ा एरिया है और इसमें मास्टर करने के लिए अगेन बार बार ये छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके वोकैब की अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर के बेसिक्स आपके इंटैक्ट हैं यानी आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं कोई बात अगर एक्टिव वॉयस में लिखी है तो क्यों लिखी है पैसे वॉयस में लिखी है तो क्यों लिखी है एक खास टेंस में उसको लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है उसमें क्लॉज लगा है कि फ्रेज लगा है ये सब जब आप समझने लग जाते हो तब आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है लेकिन क्योंकि अगर मैं अभी आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूं मैं भी आप ध्यान से सुन रहे हैं समझ रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा फिर मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा कमेंट देखने में आपके लेकिन आ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको ये पता होते हुए कि आपको रीड करना चाहिए क्यों रीड नहीं कर पाते एक कॉमन आंसर होता है स्टूडेंट्स का कि सर मान लीजिए एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया या बिजनेस सेक्शन पढ़ना शुरू किया या वर्ल्ड न्यूज वाला सेक्शन पढ़ना शुरू किया इंटरनेशनल न्यूज जैसे ही हम पांच लाइनें पढ़ते हैं पांच वर्ड ऐसा मिल जाता है जिसका मतलब नहीं पता होता फिर बच्चे का दिल टूट जाता है उसको फिर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता आप उसको लाख बोलते रहो यू शुड रीड न्यूज क्यों ही पढ़ेगा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता उसका वहीं वो अपने चेतन भगत साहब की जो नॉवेल्स हैं वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा या कोई जासूसी नॉवेल है वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा जिसमें कशिश है क्या होने वाला आगे थ्रिल है वो तो आपको बहुत बांध के रख रहा है बट अगेन आपके एग्जाम में उससे पैसेजेस तो आने वाले नहीं हैं वो वो पूछने वाले हैं इकॉनमी के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर उन्हीं के पैसेज आपको क्लोज टेस्ट में मिल जाएंगे पैरासिंबल्स में मिल जाएंगे आरसी में मिल जाएंगे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में मिलेंगे जिन एरियाज को पढ़ने का आपको दिल नहीं करता उसी एरियाज से अंग्रेजी के पैराग्राफ उठा के पेपर सेटर क्वेश्चन बना देते हैं आप भी क्लास में आओगे मैं भी वहीं से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ वो नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स बिजनेस इकोनॉमी टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट अलग अलग फील्ड की खिचड़ी होती है वहां पर और यहां पर स्टूडेंट उन तरह के कॉन्टेंट को पढ़ना नहीं चाहता क्यों नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो कैब एक बैरियर बनकर खड़ा है शब्द के यूसेज का नहीं पता अब वो अखबार पढ़ रहा है वर्ड मिला वर्ड को जाकर के डिक्शनरी में देखते हैं अब डिक्शनरी भी देखने की कई बार हमें तमीज नहीं होती कि उसको किस तरीके से देखना हमारी आदत शॉर्टकट वाली है कि कोई ऐसी घुट्टी पिला दो कि काम हो जाए अब उसमें क्या है कि एक वर्ड का आपने पहला मतलब देखा और आप तुरंत पहुंच गए अखबार के ऊपर अब फिर आपको बात समझ में नहीं आ रही हो सकता है उस वर्ड की तीन या चार अलग अलग मीनिंग्स हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बट आपको जल्दबाजी बहुत है अब डिक्शनरी में जो चौथा मीनिंग लिखा था ना उस कॉन्टेक्स्ट में वो अखबार में यूज हुआ है लेकिन आपने पहला मीनिंग देख के और वहां पर नोट बना करके कई बार अखबार पे ही पेंसिल से या पेन से लिख लेते हैं कि इसका ये मीनिंग है फिर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो फिर आपको समझ नहीं आ रहा है? यार ये वर्ड का मीनिंग कुछ और कह रहा है बात कुछ और कह रहा है मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ रहा तो ये जल्दबाजी थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी शुरुआती थोड़ी सी मेहनत होती है जब स्टूडेंट्स न्यूज पढ़ना शुरू करते हैं वो कहते हैं सर मेरे तो दो घंटे लग जाते हैं ढाई घंटे लग जाते हैं शुरुआत में लगते हैं वो शायद आप अगर एक महीने का वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूसेज आर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वॉट इज मेन क्लॉज वॉट इज डिपेंडेंट क्लॉज अगर वो डिपेंडेंट है तो किस तरह का है नाउन क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज है उससे आपको समझ बढ़ती है कि वॉट इज द मेन इंफॉर्मेशन इन दिस पैराग्राफ और कौन सी चीजें सपोर्टिंग डेटा है कौन सी लाइने एग्जाम्पल की बात कर रही है भाई अगर मुझे एक लंबे से पैराग्राफ में ओपनिंग स्टेटमेंट समझ में आ जाता है कि वॉट दिस ओपनिंग स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से बिकॉज डेफिनेटली दिस इज द नेचुरल ऑर्डर यू यू इंट्रोड्यूस समथिंग एक्सप्लेन दैट थिंग देन यू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एक्साम्पल्स फैक्ट्स एंड फिगर्स इन ऑर्डर टू सबस्टेंश वॉट यू हैव स्टार्टेड विद एंड देन यू फाइनली कंक्लूड दिस इज द काइंड ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ सो अगर मेरे को इंट्रोडक्शन uh, समझ में आ गया इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो एग्जाम्पल में सब इंट्रोडक्शन मान लीजिए दो लाइनें लिखी हैं और एग्जाम्पल में बड़ी सारी के स्टडीज लिखी हुई है वो मेरे लिए शायद उस समय लेकिन वही हो जाता है। कई बार आपको बहुत हार्ड uh, इंग्लिश में कोई पैराग्राफ मिल गया स्टार्टिंग आपको समझ ही नहीं आ रहा बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड यू डू नॉट आइडिया व्हाट दिस ओपनिंग लाइन इज ट्राइंग टू से so in that particular case the examples become relevant because those examples will help you out to understand what this paragraph or opening line is trying to say so you will learn all these skill sets ये 80-20 अप्रूच जिसे हम कहते हैं कि कैसे 20% रीडिंग करके भी आप 80% कंटेंट लेके आ सकते हो अपनी समझ में वो सब सिखाऊंगा इस बैच के अंदर आरसी इस नॉट जस्ट द अनसीन पेसेज आप छठी सातवीं क्लास हैं you ओनो know? जहां पर राजा रानी की कहानियां लिखी और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है घोड़े का नाम और आ, महल कहां था और कितने मंत्री थे वो नहीं सवाल मिलने वाला आपको यहां पे और ये बात भी ध्यान में रखें आप कि जैसे जैसे इंग्लिश के सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जहां भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आप देखोगे वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरसी के पूछे जाते हैं अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं तो एसएससी का डिफिकल्टी लेवल लोवेस्ट होता है इसकी डिफिकल्टी लेवल लोवेस्ट होती है एक मासी एग्जाम है तभी इतने सारे बच्चे इसमें भाग लेते हैं और वो कहने की बात नहीं आपको डेटा खुद बता देता है कि अगर टू क्वेश्चन के लिए वन ट्वेंटी मिनट सीजीएल मेन्स के अंदर तो ये खुद बता रहे कि इन दो क्वेश्चन की औकात कुछ बड़ी खास ज्यादा नहीं है अगर होती तो उसके लिए टाइम ज्यादा दिया जाता लेकिन वहीं पे जैसे ही आप इधर आ रहे हो आईवीपीएस में आ रहे हो एस में आ रहे हो अभी यहां पे मेन्स का हाल क्या है कि भाई यहां पे आपके पास थर्टी फाइव क्वेश्चन के लिए फोर्टी मिनट है ना तो यहां उल्टी कहानी हो गई यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे टाइम कम था यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है टाइम ज्यादा है ये खुद बता रहा है कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज है और उसके बाद जिधर एस बी आई पीओ जाता हुआ दिख रहा है आपको अगर आप बात करें कैट की या जैट की या आई की जो देश के लीडिंग मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं इनकी डिफिकल्टी लेवल इनका ब्रेकअप जैसे अभी कोरोना के दो सालों में पैटर्न चेंज हुआ अदरवाइज जब मैं तब तक मैं एक्टिवली कैट के लिए टीच कर रहा था उन चार पांच सालों में लगातार पैटर्न क्या था इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 34 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिलता था क्योंकि तीनों एरियाज के लिए एक एक घंटे का टाइम था जो अब घट गया है पिछले दो साल से बट ये पैटर्न था तो अगर चौतीस क्वेश्चन के लिए कैट ने साठ मिनट दिए थे तो इसका मतलब कि उसकी डिफिकल्टी लेवल उससे भी टफेस्ट तो ये कुछ कहने सुनने की बात नहीं है ये मतलब डेटा आपको खुद रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे साफ साफ बता रहा है कि ये किस तरीके से इसका लेवल बढ़ता है और एस बी आई पीओ आपको मौका देता है इतने अच्छे पे पैकेज पे आप जाते हैं सात लाख से तेरह लाख के बैंड में सैलरीज मिलती है जनरली तो प्लस एक इस तरह का एक्सपोजर मिलता है आपके पास और फर्दर करियर ग्राफ को आगे ले जाने के चांसेस होते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए मोटिवेटेड होते हैं राइट right? तो कहने का मतलब कि स्काई इज द लिमिट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जरूरी नहीं है भी कि आप एस बी आई पी होकर तो आप वहीं पर रहेंगे दुनिया भर की जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो अच्छे प्राइवेट बैंक हैं उनकी भी नजर होती है वो एक स्मार्ट कैंडिडेट को ढूंढते हैं और आपको बहुत अच्छा राइज और ग्रोथ और बहुत सारी चीजें और मिल सकती हैं प्रोवाइडेड दैट कि आपके अंदर वो मेटल है वो काबिलियत है तो इस पूरी तैयारी को सिर्फ एक अदद नौकरी के लिए मत तैयारी करो आप

बड़ी बड़ी वो पूछेंगे इन पांचों में से कौन सा इसका सबसे बेहतर री स्टेटमेंट है या जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल गलती नहीं कॉन्टेक्चुअल गलती नहीं वो बताओ तो ये मासूम बच्चा जो एसएससी वाला सी वाले छोटे से सेंटेंस के चार टुकड़े को चेक किया करता था अब उसके लिए चेक करने के लिए एक दी गई लाइन है तीन सेंटेंस है वहां पे दिए गए क्वेश्चन में फिर वही तीन तीन लाइनों में थोड़ा बहुत चेंज करके कहीं हैज लगा था तो किसी ऑप्शन में हैव कर देंगे कहीं पे फेनोमन लिखा था तो किसी ऑप्शन में फेनोमेना कर देंगे इस तरीके से चेंज करके थोड़ा बहुत ट्विक करके उन्होंने चार सेंटेंस और दे दिए और आपको पूछ रहे इसमें बताओ कौन सा सबसे सही है तो एक मासूम दिमाग जो है वो बेचारा डर जाएगा इंटीमीडिएट हो जाता है ओ माई गॉड इन ऑर्डर टू अर्न एक नंबर जो भी उसका Uh, आपको नंबर वहां पे अलॉट है उस क्वेश्चन के अगेंस्ट उसके लिए मेरे को पंद्रह लाइन पढ़नी पड़ेगी नहीं नहीं पढ़ना होता है कल क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कल मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा क्योंकि मिले कि मन से आपका अंग्रेजी का डर बिल्कुल गायब हो जाए कि आंखों में दिखने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन ना 20 सेकंड में किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड दैट आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है एंड प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर गाइडेंस अप्रोच है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है आप आसानी से कर पाओगे तो आज की सारी बातें जो हो रही है ना कल ही इसका प्रमाण मिलेगा आपको तो आ, वही वाली बात की मैं जो कह रहा था कि जैसे जैसे ये डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है ना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ पेपर में आपको आरसी का ही सेक्शन मिलता चला जाता है जैसे अगर हम बात करें ये जो थर्टी फोर क्वेश्चन जब आया करते थे ना तो ट्वेंटी फोर क्वेश्चन सीधे आरसी से थे पांच पैसेजेस देते थे वो और बाकी का जो दस क्वेश्चन बच रहा है वो या तो पैराजम्बल हो जाता था टीटा क्वेश्चन टाइप जिसमें आपको खुद ही आंसर टाइप करने होते हैं कि ये करेक्ट ऑर्डर है या आर्ड वन आउट मिल जाएगा या फिलर मिल जाएगा यानी कोई ना कोई अगेन पैराग्राफ बेस्ड या समरी राइटिंग का क्वेश्चन कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया और चार ऑप्शन दे दिए कि इनमें से चारों में से इस पैराग्राफ की बेस्ट समरी कौन सी है मतलब ऑल द क्वेश्चन टाइप्स आर जस्ट टेस्टिंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स योर मैनेजीरियल स्किल्स

पूछ ज्यादा रहे होते हैं और इसीलिए उसको क्या कहा गया उसका लेवल डिफिकल्टी लेवल आपका लोवेस्ट है अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते लिखते हैं तो आप एसएससी की इंग्लिश में काफी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है अब कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए मैंने यहां पे अप्रोच आपको बता दिया राइट फर्क क्लियर हो गया एसएससी और बैंकिंग का डिफरेंस क्लियर है एसबीआई पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क देखो नाम से पता लग रहा है तो जो आईबीपीएस का पीओ होगा वो डेफिनेटली सॉरी एसबीआई का जो पीओ का एग्जाम होगा आईबीपीएस से थोड़ा बेहतर होगा एज सिंपल एज दैट तो एस का लेवल क्योंकि हाई तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अपग्रेड हो जाता है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर आप अपने बारे ना हाँ शशि बिल्कुल अब मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं मैंने आपको डिफरेंस बता दिया अब अपनी क्लास में क्या चलेगा कैसे चलेगा वो बता देता हूं मैं देखिए कल की जो हमारी क्लास होगी जैसे मैंने कहा कि कल एक ओरिएंटेशन क्लास आपकी होगी जिसमें मैं आपको एक पेपर सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे राइट आ, और उसमें क्वेश्चन को जरा समझने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप पहले से बाकी एग्जाम्स भी राइट कर रहे हो आपको थोड़ी बहुत समझ तो है ही है अंग्रेजी की कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं कोई बात नहीं आ, कुछ कहते हैं सर नहीं मैं अंग्रेजी में जीरो हूं एट no ऑल ये बैच बिल्कुल बेसिक से चलेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा कि यार ये सही बात है. बैंकिंग के तो यार्वेशन आसान है इंग्लिश के इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन को देख कैसे रहा हूं परख कैसे रहा हूं मेरी अंग्रेजी की समझ कितनी है ठीक है उसके बाद हम शुरुआत करेंगे जैसे वो कैब बड़े सारे लोगों को दिक्कत है आप बता रहे सर वो कैब की कमजोरी है कॉमेंट सेक्शन में राइट right? उसके बाद ग्रामर में भी दिक्कत है बहुत सारे लोगों को तो ये सारा एरिया कवर होगा मैं एक एक करके आपको पूरे एरिया का किस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर चलेगा वो बता देता हूं देखिए हम ग्रामर से मैं शुरू कर लेता हूं ग्रामर में क्या क्या चीजें कवर होंगी और कैसे कवर होंगी कि आपको क्लैरिटी आ जाए सबसे पहले मैं आपको कराता हूं यहां पर ग्रामर प्राइमर जिसको मैं बोलता हूं या ग्रामर फाउंडेशन आप बोल सकते हैं जो चाहिए जैसे आप घरों में पहले प्राइमर लगाते हो ना पेंट करने से पहले तो वैसे ही मैं आपके ग्रामर की मिट्टी को भुरभुरी करता हूं और इस क्रम में हम बिल्कुल लेटर से शुरुआत करते हैं जो हमारे भाई कह रहे थे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती कोई बात नहीं हम अक्षरों से शुरुआत करते हैं यहां लेटर्स उसके बाद हम वर्ड पे पहुंचते हैं शब्दों पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसका ज्ञान बढ़ाते हैं शब्दों के समूह से बनता है फ्रेज फ्रेज के बाद हम आते हैं क्लॉज पे और क्लॉज के बाद बात होती है किसकी सेंटेंस की क्यों ये जरूरी क्यों है इवन आप देखेंगे कि इतनी चर्चा के बाद भी बाद ही आपकी अंग्रेजी काफी आसान आपको लगने लग जाएगी हमें सेंटेंसेस को समझने में दिक्कत होती क्योंकि सेंटेंसेस बहुत लेंदी लेंदी आपको मिलते हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट को एक सेंटेंस के टुकड़े समझ में नहीं आते और कई बार ऐसा होता है कि वो नाउन प्रोडाउन एडजेक्टिव इनकी पूरी क्लास ले चुका है कॉन्सेप्ट सीख चुका है क्वेश्चन कर चुका है बट उसको फिर भी अगर एक सेंटेंस को समझाने के लिए दे दो राइट right? अब जैसे कई बार ये बात समझ में नहीं जैसे एक मैं सेंटेंस आपको देता हूं यहां पे सिंपल सा और बहुत बेसिक सा सेंटेंस है लेकिन एक सवाल मन में जरूर पैदा हो रहा है जैसे मान लो लिखा है द लिटिल मनी आई हैड हैज बीन स्टोलेन अवे हैज बीन स्टोलेन अवे ये लिटिल लिटिल द लिटिल के यूसेज में बहुत बेसिक एग्जाम्पल में ये लेता हूं सो द लिटिल मनी छूट गया यहां पर द लिटिल मनी आई हैड जो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा आपके लिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये जस्टिफाई करो ये हैड हैड सही है क्या मान लीजिए एरर में यही क्वेश्चन दे दिया जाए या री स्टेटमेंट में दे दिया जाए ये हैड हैड सही है क्या लिखना जनरली तो हैज हैड होना चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब uh, और हैड मेन वर्ब के तौर पर यूज हो सकता है तो ये सब मैं वही कह रहा हूं आपको कि बड़ी छोटी और बेसिक सी कंफ्यूजन हैं जो आपके मन में आती हैं अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है अब आपको समझना ये है कि द लिटिल मनी आई हैड ये पूरा का पूरा हिस्सा सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए ये आपका वर्बल फ्रेज यहां पर इस्तेमाल हुआ और ये बात किस में लिखी गई है यह पैसे वायस में लिखी गई है ये पैसे वायस में लिखी गई है ये ठीक है पूरा का पूरा सेंटेंस पैसे वायस में है कि जो कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया अब कोई पूछे क्या चुरा लिया गया अब मान लो सवाल ये हो सवाल पूछ लो यहां पे सवाल अगर ये है कि वॉट हैज बीन स्टोलन अवे वॉट हैज बीन स्टोलन अवे क्या चुरा लिया गया क्या चुरा लिया गया तो अब इस क्या के जवाब में आप क्या बोल रहे हो इस क्या के जवाब में ही आप ये सारी बातें कर रहे हैं और ये क्या क्या है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट उस वर्ड को उस फ्रेज को या उस क्लॉज को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है तो यहां पर यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये एनसी है नाउन क्लॉज है लेकिन अगर भाई मैं आपको कहा कि सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है ना क्लॉज नहीं पता है हमें सब कुछ पढ़ने के बाद भी कई बार तो उसमें अंग्रेजी हमें मुश्किल लगती है अपने ऊपर ही शक हो रहा होता है कि यार ये क्या था बचपन में ये पढ़ा था आप जिसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है बहुत बेसिक बेसिक से ये एरर्स हैं Uh, मैं जैसे आपसे पूछूं कि इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस और मैं आपसे एक सवाल यहां पे करूं कि मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों इट्स में हम किस इट्स, इट्स के साथ जाएं ये ए है और ये बी है इनमें से हम कौन से इट्स के साथ जाएं आप कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज आप सतवीर जीए का वीडियो एक्चुअली जीए की क्लास जो है ना वो पिछले वाले बैच से ही शुरू हुई है मैंने आपको बताया था ये नई टीम के साथ जो बैच जिस जो इस पैटर्न में आपको मिल रहा है डिस्काउंटेड फीस में वो दिसंबर वाले बैच में शुरू हुआ है तो वो क्लासेस अभी चल रही हैं तो एक बार पूरी हो जाएंगी तो वो भी आपके पास अपलोड हो जाएंगी डोंट वरी अभी पहले जीए तो बाद में आएगा ना वो तो सर राशिद सर वैसे ही आपको डेली ज्ञान देते हैं जनरल अवेयरनेस रोज बढ़ाते हैं सुबह उसकी टेंशन मत लो अब देखो यहां पे YouTube पे तो कमेंट सही दिख रहे हैं मुझे रजत अंजलि रोशन पुनीत यूके स्मिता रजत शुभम इधर सही है बट इधर करियर वेल ऐप के ऊपर कुछ हमारे सज्जन हैं जो ए के साथ जा रहे हैं कुछ बी के साथ जा रहे हैं तो अब ये ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारे पास यहां पे ये करेक्ट है अब मैं अगर आपसे पूछू कि भाई ये क्या लिखा है अगर इस अपास को हटाओगे तो क्या बनेगा तो वहां पर ग्रेट एक्सपीरियंस अब एक मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं पढ़ाते न, एक दिमाग एक इनक्विजिटिव दिमाग स्टूडेंट का जो बेचारा किसी से पूछ भी नहीं पाता क्योंकि बड़ा हो गया उम्र हो गई है और उसका जो पुराना ज्ञान है वो नए ज्ञान से टकरा रहा होता है वो सोचता यार, मैंने तो बचपन में पढ़ा थान के साथ वोब में आई लगता है लास्ट टू आवर्स तो अब उसके मन में अपने लड़ाई हो रही है द्वंद चल रहा है उसका कि जो तब पढ़ा था वो सही है या जो अब पढ़ रहा हूं वो सही है और वहीं पे बेचारा वो सरेंडर कर देता उसको लगता है चलो कोई बता देता कि यह डेढ़ सौ रूल रट लो ग्रामर में इससे बाहर नहीं आएगा मैं वही रट लेता कौन इन झंझटों में पढ़े ऐसा होता है कि नहीं होता है यस सर नो ऐसी बहुत रुकावटें आपको इंग्लिश में मिलती जब आप अखबार पढ़ते हो मैगजीन्स पढ़ते हो या किसी को सुनते हो आपके मन में सवाल पैदा होता है कि यार ये क्या है लेकिन अब आप बड़े हो गए नहीं पूछ पाते तो कोई बात नहीं मैं हूं यहां पे आपके जितने दर्द हैं उन सभी की पहचान है मुझे तो ये इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस अब मुझे कोई बताएगा कि हाँ, हैज बीन के बाद वर्ब में आईएनजी क्यों नहीं लगा है। और हैजबीन किस तरह का वर्ब है यहां स्टेटिव वर्ब है ये यहां पर स्टेटिव वर्ब है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी होटल से बाहर निकलें चार दिन के स्टे के बाद और होटल मैनेजर आपसे पूछे सर हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो उन ड्यूरेशन का हालचाल पूछ रहा है और आपने कहा इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो आप स्टेट बता रहे हो ड्यूरेशन की उस मोमेंट की नहीं जब मोमेंट की बताते हो तो तब आप इज और आर लगाते हो जैसे जब कोई आपसे पूछता हाउ आर यू तो हालचाल ही पूछ रहा है आर वहां स्टेटिव वर्ब है हाउ आर यू आप उस मोमेंट का हालचाल बताते हैं आप लंबे समय के बाद मिल रहे हैं छह महीने के बाद मुलाकात हो रही है हाउ हैव यू बीन पूछा जाता है क्योंकि अब उस have been के जरिए उस यू का एक ड्यूरेशन का हालचाल, यानी तुम्हारे पिछले छह महीने कैसे थे तो ये सब बहुत सटल चीजें हैं जो और ये सब आपको ग्रामर प्राइमर में ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम शुरुआत करते हैं टॉपिक वाइज राइट जैसे आप देखें तो हमारे पास वर्ब और टेंस का एरिया पहले आता है बड़ा एरिया है वर्ब बर... की समझ अगर है तो टेंस की समझ आपको अपने आप हो जाती है काफी हद तक क्योंकि टेंस को डिसाइड कौन कर रहा होता है वर्ब वर्बी तो डिसाइड कर रहा है हैज है, तो कौन सा है और हेड कौन सा है तो वर्ब की एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप यहां पे करोगे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स उनके जो एक्सेप्शन हैं फिर मेन वर्ब पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के ऊपर कैसे क्वेश्चन है कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव में कंफ्यूज करते हैं मेन वर्ब में फिर आपके पास आ जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव तो ये सब कुछ हम वर्ब में और टेंस के अंदर करेंगे फिर टेंसेस का इंट्रोडक्शन तो ये सारा एरिया है कॉन्सेप्ट का की समझ और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके बाद बारी आपकी आ जाएगी नाउन की प्रोनाउन की फिर आ जाते हैं हमारे मॉडिफायर्स और मॉडिफायर्स का मतलब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ये हमारे मॉडिफायर्स हैं जिनकी काफी समझ की जरूरत होती है बैंकिंग के अंदर ठीक है तो अभी मैं जो करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है वहां मॉडिफायर्स की ही सीरीज अभी चला रहा हूं जहां पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके देख रहे हैं ठीक है उसके बाद आपके पास ये वो एरियाज हैं जहां से हमारे पास क्वेश्चन का चंक आता है अच्छा खासा प्रोनाउन के जो कॉन्सेप्ट हैं, केसेज हैं अलग अलग नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का फर्क नाउन एक तरह से फिक्स वाला चैप्टर है जहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है तो अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो ये सारे एरियाज आपके आ, फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाता है भाई फिर आपके पास कंजंक्शन है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का ज्ञान ठीक है प्रेपोजिशन के एप्लीकेशन जो बड़े सारे हैं उनको समझना और जानना वो बहुत जरूरी है जैसे फिक्स प्रपोजिशन का एरिया है फ्रेजल वोब का एरिया है राइट तो ये सारा कुछ फिक्स प्रपोजिशन वो, ये सब यहां पे कवर होगा ठीक है आंसर पता होता है एक्सप्लेन नहीं कर पाता बिल्कुल कर पाओगे तो ग्रामर का पोर्शन होगा कई बार ये कंफ्यूजन मत रखना कि नहीं होगा इनके कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं इन पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम और जो वराइटीज हैं अलग अलग आपके ग्रामर के पोर्शन की फिर बारी आ जाती है इंग्लिश यूसेज की राइट और इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया पैराजम्बल्स के क्वेश्चन है तो पहला टॉपिक आपका पैराजम्बल हो गया पीछे प्री में मेंस में दोनों में संभावना रहती है और लेवल अगेन वही बात लेवल का ध्यान रखिएगा प्री प्लस मेंस होंगे सारे टॉपिक यानी हर टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें पूरी कवरेज होती है नंबर ऑफ सेंटेंसेज भी चार से लेकर के आठ सेंटेंसेज के हम करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें ऑप्शन दिया है और इसमें टीटा जिसको टाइप इन द आंसर बोलते हैं यानी जहां आंसर नहीं दिया वो भी करेंगे तो पैराजल्स आपके पास हो गए फिर बात आ जाती है पैरा पहले ऑड वन आउट ऑड वन आउट क्योंकि पैराजल के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर उसके बाद मैं आपको यह कराता हूं इनके कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और क्वेश्चन आप मेरे साथ करते हो उसके बाद बारी आती है पैरा कंप्लीशन की पैरा कंप्लीशन की जिसमें आपको बताया कि इसमें भी तीन वैरायटी के क्वेश्चन है ओपनिंग स्टेटमेंट गायब कर देना ट्रांजिटरी गायप कर देना और कंक्लूडिंग गायप कर देना तो ये आपके क्वेश्चन हो गए इंग्लिश यूसेज बेस्ड राइट और जब बात हम कर रहे हैं इसमें आप वो भी ले सकते हो फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट तो ये भी अंग्रेजी के प्रयोग की ही समझ है इसमें आपके रीडिंग के साथ साथ आपकी वोकैब स्किल्स भी टेस्ट होती हैं इन दोनों टॉपिक के अंदर तो ये सारा आपका कवर हो गया इंग्लिश यूसेस के अंदर अब बात कर लेते हैं वोकैब की जो अगला पोर्शन है हमारा देखिए वोकैब में हम बात दोनों एरियाज की करेंगे यानी डेवलपमेंट की भी और यूसेस के भी दोनों बातें होंगी यानी हम वोकैब को डेवलप कैसे करें क्योंकि रटना तो इलाज है नहीं वो तो हमें पता लग चुका है सुबह के रटे हुए दस वर्ड शाम तक भूल जाते हैं वो कैब डेवलपमेंट में मैं आपको पीआरएस मेथड का अप्रोच भी बताऊंगा जो काफी हद तक आपको शब्दों के मतलब का सही अंदाजा लगाने में मदद करता है देखो अब वाले स्टूडेंट्स को तो पीआरएस बहुत मदद करता है उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर वन वर्ड या स्पेलिंग एरर के बट बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए वन वर्ड ये आपका जो पी रूट वर्ड मेथड है ये शब्दों के मतलब का अंदाजा लगाने में आपको मदद कर देता है कि अच्छा रूट का अगर ये मतलब है और ये उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है तो इसका पॉसिबल मतलब इसी के कुछ आसपास होगा एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंट गैस वर्क कि चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ आप जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो उनको पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो तो पी मेथड और साथ में ग्रुप मेथड जो है उसकी हम बात करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बैंकिंग वालों को मिलता है अब देखो ये एक बड़ा सा फर्क है वो कैब को बेहतर करने के जो दो तरीके में बार बार आपसे डिस्कस करता हूं मोटे मोटे तो तरीके और भी बहुत हैं बट ये मोटे तरीके ऐसे हैं जो हमें सीधे पेपर में फायदा पहुंचाते हैं और हम सब एक्सपेरेंट्स हैं अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग जॉब्स के लिए स्पायर कर रहे हैं तो हमें सीखना ऐसे है जो पेपर में सीधा फायदा करे तो तो ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, रीडिंग को बेहतर करेगा, शब्दों का आप अंदाजा लगा पाओगे क्योंकि आपको मीनिंग टेस्ट करते हैं बैंकिंग में। लेकिन ग्रुप वाला जो मेथड है ना, ये बहुत कारगर होता बात करूं इन तीनों अलग अलग की शब्दों के तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट एग्जाम्स में 20 साल से आते रहे हैं जिनको हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं तो confusing words आपको मिलते हैं इन दोनों से। यहां से कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं और अगर बात करी जाए होमोनीम से तो यहां पे इससे क्वेश्चन पूछने का ना कम से कम चार तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैंने कहा कि आपको बैंकिंग में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अंग्रेजी की समझ चेक करता है वर्बल एबिलिटी टेस्ट करता है आपकी तो

कौन से एक सेंटेंस में शब्द का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ है होमोनिम का इस्तेमाल फिलर्स में आएगा आपको जैसे मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंस देंगे एक एक वर्ड मिलेगा पूछेंगे कौन सा एक वर्ड दोनों में सूटेबल है तो जाहिर तौर पे दो अलग अलग कॉन्टेक्ट में जब मतलब होगा तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो ये मेथड हमें बैंकिंग स्पेडेंट्स को बहुत मदद करता है इनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा राइट होमोफोन्स और पैरोनिम से मान के चले आप क्लास के अंदर जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे Confusing वर्ड्स वही 350 हैं और क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कल आपको नजर भी आ जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका जो लोग पहली बार देख रहे होंगे अगर आप तो अगर 350 क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो इनके डिस्कशन से आप मान के चलें कि थाउजेंड वर्ड्स तो आप मेरे सिर्फ कंफ्यूजिंग वर्ड वाली वो की क्लास में ही सीख के क्लास से जाओगे क्योंकि हम डिस्कशन जब करते हैं एक वर्ड के सिनोनिम क्या फर्क है उसमें एंटनीम और उससे जुड़ा हुआ या अगर वो वर्ड किसी रूट वर्ड से एसोसिएटेड है तो रूट वर्ड की चर्चा वहीं हो जाती है तो हम बहुत अमीर होकर जाते हैं इन क्लासेस में राइट और इसमें सारे जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो काफी नए नए और अच्छे शब्द मिलेंगे जिनकी जानकारी आपको जनरली नहीं होती और जब मैं यूसेज की बात कर रहा हूं तो अगेन हम यहां पे वो टेक्निकल पैरामीटर सीखेंगे जो हमें समानार्थी शब्दों को अलग करने में मदद करता है जैसे आज मैंने आप से के साथ शेयर किया वो बहुत बेसिक सा कार्नेज और जेनोसाइड और आ, मैसेकर तो उसमें कॉन्टेक्स्ट का फर्क है नरसंहार तो हो रहा है भारी संख्या में लोग मर रहे हैं बट द कॉन्टेक्स आर डिफरेंट कि कौन सा वर्ड मुझे कहां लगाना है उसी तरीके से एक ही मतलब के शब्द में कॉनोटेशन का फर्क होता है मतलब वही रहेगा लेकिन आ, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव होगा और एक न्यूट्रल होगा जैसे बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है जब आप कहते हो सीनियर सिटीजन तो उसका कॉनोटेशन पॉजिटिव हो जाता है वहीं कहो ओल्ड पीपल तो वो नेगेटिव है और इसीलिए मेट्रोज और बाकी जगहों पर ओल्ड पीपल को हटा के सीनियर सिटीजन लिखा हुआ मिलता है आपको और वहीं पर अगर आप एल्डरली पीपल कहते हैं तो ये न्यूट्रल कॉनोटेशन का वर्ड है तो मतलब तो सभी में हम यही कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं लेकिन शब्दों का चुनाव ये बिल्कुल वही सिंपल सा एग्जाम्पल के विकलांग कहना नेगेटिव है बट दिव्यांग कहना पॉजिटिव है हालात दोनों में उस इंसान के सेम है बट आप उसको देखते कैसे हैं तो रादर देन उसको डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड कहने के हमें क्या कहना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड जो हम कहते हैं तो दिस इज वॉट दिस इज कॉल्ड कॉनोटेशन एक ही मतलब कि ब्रेव इज पॉजिटिव बट ब्रेजन इज नेगेटिव यू नो सो स्किनी इज नेगेटिव बट स्वेल्ट इज पॉजिटिव दोनों में इंसान पतला ही है तो इसको कॉनोटेशन कहा जाता है तो ये सब टेक्निकल चीजें कॉन्टेक्स्ट कॉनोटेशन डिग्री का फर्क कि भाई सारे वर्ड पॉजिटिव हैं तो अब मैं कैसे डिफरेंसिएट करूं तो उसमें देखो कौन सा हाईली पॉजिटिव है कौन सा माइल्डली पॉजिटिव है रीड आउट द सेंटेंस ट्राई टू गेट द यू नो डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज एंड ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड दैट विच डिग्री इज रिक्वायर्ड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सो दीज आर द टेक्निकल पैरामीटर्स एंड यू विल लर्न हाउ टू यूज दीज टेक्निकल थिंग्स इन योर वोकैब यूसेज बहुत सारे मासूम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि वो कैब का मतलब उसका सिननीम इंटेनिम का लिस्ट रटो या हिंदी अर्थ रट लो उससे कोई फायदा नहीं है कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछता राइट डाउन फोर सिननीम इट्स नॉट यू आर नॉट इन योर स्कूल्स यू नो सो यहाँ पे हमें डिफरेंस जानना है तो वो टेक्निकलिटी हमें आनी चाहिए जिसके आधार पर हम डिफरेंसिएट करें तो वो सब यहाँ पे डिस्कशन होगा और फिर आपके पास लास्ट पोर्शन आएगा आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पे काफी कुछ सीख के जाएंगे आप मेरे साथ इस क्लास में बहुत सारी टेक्निकल चीजें यहां सीख के जाओगे आप सबसे पहले तो हम यहां पे बात करते हैं क्रिटिकल रीडिंग की कि क्रिटिकल रीडिंग को कैसे बेहतर किया जाए कैसे उन आर्टिकल्स या सेंटेंसेस जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते भले ही हम उन सारे शब्दों का डिक्शनरी मीनिंग देख लें बट एनी आइडिया दैट वॉट्स इज ट्राइंग टू से सो क्रिटिकल रीडिंग को कैसे बेहतर करो राइट right. uh, uh, जिसको हम एक्टिव रीडिंग भी कह लेते हैं कई बारी ही पैसिव रीडिंग वो होती है जहां पे आपको बात आसानी से समझ में आ जाए वो मसालेदार अखबारों के सप्लीमेंट्स या मसालेदार नॉवेल्स लेकिन क्रिटिकल uh, और एक्टिव रीडिंग वो वाले सेक्शंस हैं चाहे वो बिजनेस सेक्शन है इंटरनेशनल न्यूज का है या एडिटोरियल का है जो बात आपको पल्ले नहीं पड़ती और पल्ले पढ़ने के लिए कि समझ आए आपको बहुत सारा बैकग्राउंड का डेटा चाहिए होता है बिटवीन द लाइन्स रीडिंग पढ़ने की ताकत आपको लानी पड़ती तो वो सब चीजें सिखाऊंगा शुरुआत क्रिटिकल रीडिंग से होगी और उसके बाद आर के जो हमारे टॉपिक्स हैं uh, मतलब आप यहाँ पे मेरे साथ डिटेल मैनर में बात करेंगे किसकी टोनालिटी की पूरी टोन क्योंकि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज इसका जवाब पैराग्राफ में कहीं नहीं होता लेकिन ऑप्शन लिखा होता है डायरेक्टिक पिडेंटिक नो इस तरीके से ऑप्सिक्यूस टोन है क्या है तो देर आर थर्टी फाइव फोर्टी वर्ड्स जो कि आपको ऑप्शन में मिलते हैं उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है उनके uses, उनका example, ये सब discuss होता है कि टोन्स की समझ आपकी बेहतर हो जाए मैं फिर बात करता हूं क्लास में राइटिंग स्टाइल की कि अलग अलग तरह की राइटिंग स्टाइल क्या होती है कैसे आप एक कंटेंट को अलग राइटिंग स्टाइल में लिखते हैं अब जब जैसे आप कवर लेटर अपना लिखेंगे तो वो अलग राइटिंग स्टाइल होगा किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो एंड योर राइटिंग अ कवर लेटर इन योर ई मेल द राइटिंग स्टाइल ऑफ दैट वुड बी डिफरेंट द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एडिटोरियल ऑफ द न्यूज पेपर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूज पेपर बिकॉज इन द रेस्ट ऑफ द न्यूज पेपर देर इज अ न्यूज बट एडिटोरियल में व्यूज होते हैं तो व्यू पॉइंट रखने का राइटिंग स्टाइल अलग होता है और न्यूज को लिखने का राइटिंग स्टाइल अलग होता है दीज थिंग्स आर टेक्निकल थिंग्स जो कि आपकी रीडिंग को इंप्रूव करती हैं ये इम मटीरियल पेपर में आए या ना आए मैं तो हमेशा से कराता रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट एग्जाम्स में ये चीजें कराता रहा हूं और वो बैकग्राउंड आपको चाहिए क्योंकि आप एस बी आई बनने जा रहे हैं तो ये सारा ज्ञान आपको मिलेगा इंटरेस्टिंग चीजें राइट हम क्वेश्चन टाइप्स डिस्कस करते हैं अलग अलग तरीके के जो आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्वेश्चन टाइप्स हैं और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला टू अप्रोच आरसी जहां पे मैक्सिमम एक्यूरेसी आपकी आरसी में आ पाए formula approach rc questions with maximum accuracy फॉर्मुला टू अप्रोच आरसी क्वेश्चन होता है क्वेश्चंस को एक छोटी सी बात और आर के मामले में भी आरसी भी वो टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम्स को एसएससी से बिल्कुल अलग बनाता है एसएससी में आपका वो यूजुअल पैटर्न है छह पैसेजेस मिलते हैं पांच पांच क्वेश्चंस के जिसमें से जनरली दो फिलोसफी बेस्ड आ जाते हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं बाकी तीन से चार मॉडरेट पैसेज ही होते हैं लेकिन बैंकिंग के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन आर के अंदर पाँच सात से लेकर के पंद्रह तक पहुंच सकते हैं और इसमें बड़ी सारी वैरायटी और पॉसिबल है वो आरसी के अंदर ही कई बार ग्रामर भी चेक कर लेंगे कुछ पार्ट इटेलीसाइज कर देंगे वो टेढ़े लाइनों में लिख देते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या ये सही है क्या ग्रामेटिकल वो फिलर्स भी पूछ लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही Uh, कई बार उसी में वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आरसी में पूछ लेते हैं चार वर्ड बोल्ड कर दिया बताया पूछा कि ये कहां लगेगा ये कहां लगेगा तो वो सारा कुछ वहां पे कवर हो जाता है तो मतलब आरसी में सिर्फ आरसी नहीं होती बैंकिंग के पेपर में uh, इसमें आरसी के अंदर वो कई तरह की आपकी वर्बल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं जो अगेन आप इस बैच में करते हुए प्रैक्टिस सो so दैट की आपको समझ में आए जब आप एग्जाम में देखेंगे अच्छा हाँ मैंने तो ये क्वेश्चन सर के साथ क्लास में किया हुआ है तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है और फिर एक आखिरी एरिया आ जाता है मिसलेनियस का एम आई एस सी मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप्स जो कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं और इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं कौन सा वर्ड लगाना है या आप स्टार्टर और कनेक्टर की बात करो स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स यू नो तो ये टॉपिक ये भी एक आपका क्वेश्चन टाइप है तो इस तरह के जो भी आपके अलग मिसलेनियस बेस्ड नॉर्म अलग देखो चेक तो वही अंग्रेजी का की समझ ही हो रही है, राइट स्टार्टर कनेक्टर इज मोर ऑफ आपके कंजंक्शन की समझ को टेस्ट करते हैं बट ये सब नाम दे देते हैं तो जो भी आपके मिसलिनियस क्वेश्चन हैं वो सब इस बैच में कवर होते हैं और इस तरीके से ये पूरी तरीके से आपको तैयार करता है आपके इंग्लिश सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंस uh, पर चर्चा एक पहले एक बार हो चुकी है राइट uh, right, uh, वो आप देख सकते हैं करियर वेल बैंकिंग एग्जाम्स भी मैंने इंपॉर्टेंस बताया था इंग्लिश का आप वैसे भी समझ सकते हो प्री में है मेन्स में है मेन्स में डिस्क्रिप्टिव भी है और तीसरा स्टेज है आपका जी एंड पी का तो समन हु हैजीसेंट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज उसकी पॉसिबिलिटीज प्रॉबिबिलिटीज डेफिनेटली सिलेक्शन की ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं बढ़ जाती हैं तो हम किसी भी लेवल पे इस बैच में जुड़ें इस वादे के साथ जुड़ें कि हम अपने आप को हर दिन पिछले दिन से बेहतर करेंगे अगर आपने अपने साथ ये वादा कर लिया और इस पूरी टीम के साथ जिस तरीके से हम डेडिकेटेड तरीके से लगे हैं आपने भी अपना ध्यान रखा जो बातें हम कह रहे हैं वो बात आप करें फॉलो करें प्रैक्टिस करें कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन करता हूं मैं समाप्त राइट और कल हमारी मुलाकात होगी आ, कल की जो क्लास होगी वो करियर विल ऐप पे ही होगी तो कर यूट्यूब पे आपको क्लास नहीं मिलेगी तो वो जो भी यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आप करियर विल पी आर एस मीन यू मिश्रा प्रेफिक्स रूट अफिक्स तो करियर विल ऐप पे आप क्लासेस ले सकते हैं वहां पे अभी शुरुआत की दो तीन क्लासेस फ्री होती हैं सो दैट की स्टूडेंट्स को पता लगे चीजों का और आज पहली क्लास थी इसीलिए हमने डिटेल्ड मैनर में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझाया है आपको किस तरीके से आपको ये तैयारी अप्रोच करनी है ठीक है तो ये सिलेबस है साक्षी सिलेबस अपलोडेड भी है आपका ऐप में बाकी मैंने यहाँ पे आपको ये सिलेबस ही बताया ना साक्षी और कुछ बताया क्या मैंने ये सिलेबस ही तो है कि वो कैब में हम क्या करेंगे डेवलपमेंट में आरसी में क्या करेंगे ग्रामर में क्या करेंगे इंग्लिश यूसेज के टॉपिक्स आपके क्या हैं तो ये सारा आपको सिलेबस ही बताया कुछ और चर्चा नहीं हो रही थी यहाँ पे ये सिलेबस की ही बात हो रही थी बच्चे कहाँ खो गए थे दिस इज सिलेबस आपको इसीलिए डिटेल्ड सिलेबस बता दिया उसमें कहीं कोई संदेह ना रहे ग्रामर वो कैप कॉम्प्रिहेंशन मिसलेनियस एवरीथिंग कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिक प्रैक्टिस क्वेश्चन इन अ ग्रेडेड पैटर्न बेसिक लेवल से लेकर के यानी आई क्लर्क से लेकर के आपके एस बी मेंस तक सब इसमें कवर होगा चलिए सो so बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आई होप कि ये सेशन आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका हो कल करते हैं मुलाकात ओरिएंटेशन सेशन में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ क्वेश्चन तो आसान है इट्स ऑल अबाउट अप्रोच हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच एवरी थैंक यू